नमस्कार दोस्तों, बी नेचुरल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं फिर आप लोगों को एक मनोकामना पूर्ति का टोटका बताने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की मनोकामना को अगर आपको पूरा करना है तो ये टोटका आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं आप लोगों के साथ में कई सारे टोटके ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो कि आपको आई बटन पर लगातार दिखते रहेंगे, उन्हें भी आप देखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये सभी टोटके जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ ये 100% इफेक्टिव है, 100% कारगर है। इन सभी टोटको के लिंक, इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये भी इन्हीं सब टोटकों की श्रेणी में एक और वीडियो है। कई लोग होते हैं कि कई सारे टोटके एक साथ कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई टोटका करते हैं उसके बाद में आपको कम से कम 51 दिन का समय लेना है, ठीक है। कोई भी टोटका करने के बाद में आपको 51 दिन का समय लेना है, उसके बाद में अगला टोटका करें। इस बीच में आप ऐसा ना हो कि लगातार एक के बाद एक करते रहें। ये एक तरह से आपके अविश्वास को जताता है कि आपने एक चीज कर ली उसके बाद में आपको विश्वास नहीं है और आप दूसरा कर रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको आज का टोटका बताती हूँ, फिर इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का जो टोटका है, आज का जो मनोकामना पूर्ति का, कोई भी मनोकामना को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो क्या टोटका है ये आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, ठीक है। सफेद कपड़ा, सफेद रुमाल भी हो सकता है, सफेद कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है, सिर्फ एक रुमाल के साइज का आपको कपड़ा लेना है। सफेद कपड़ा ले लीजिए, इसमें आपको लेना है सफेद तिल, ठीक है। सफेद तिल जिसे इसमें सीट कहा जाता है, तिल्ली जिसे कहा जाता है, वो आपको लेना है चुटकी भर, ठीक है। चुटकी भर तिल ले लेना है, सफेद वाले तिल, ठीक है। और साथ ही आपको इसमें लेना है अक्षत, अक्षत से मतलब है चावल। सफेद कपड़े में सफेद तिल, सफेद चावल लेना है, ठीक है। अब चावल आपको कितने लेना है, तो चावल की आपको गिनती करना है। गिनती से यहाँ पर मतलब है जो चावल है वो पूरे खड़े चावल होना चाहिए, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और पूरे 21 चावल के दाने होना चाहिए, ठीक है। चुटकी भर हल्दी और 21 चावल के दाने, बिल्कुल पूरे पूरे दाने होना चाहिए, कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको साथ में एक सिक्का रख देना है, ठीक है, एक रुपये का सिक्का। ध्यान रखें सिर्फ सिक्का एक ही रुपये का होना चाहिए, इसे आपको रख देना है। अब इसको आपको, इस पोटली को गठान बना देना है, ठीक है। हमने जो सफ़ेद कपड़े में तीनों चीजों को लिया है, इसको आपको गठान बना देना है। गठान बांधने के बाद में आप जिस भी भगवान पर बहुत ज्यादा आस्था है, जिस भी भगवान को, जैसे भोलेनाथ हुए, श्री रामचंद्र हुए, श्री कृष्ण जी हुए, जिन पे भी आपकी आस्था है, वहां मंदिर पर जाना है, ठीक है। जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है वहां पर आपको जाना है, वहां पर इस पोटली को आपको रख देना है, और रखते समय आपको मन ही मन में अपनी मनोकामना भगवान से कहनी है, ठीक है। आपको अपनी मनोकामना भगवान से कहनी है, और साथ में एक मंत्र का जाप करना है मन ही मन में। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को आपको मन ही मन में लगभग 11 बार जाप करना है, ठीक है। कम से कम 11 बार जाप करें, और इस मंत्र को अगर हो सके तो दिन में जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप फ्री रहते हैं, तब अपने मन ही मन में इस मंत्र को आप जपते रहें। कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। बस इस मंत्र को आपको मन ही मन में कहते रहना है, और उस मंदिर में जब आप जाएंगे, तब जब ये पोटली आप वहाँ रखेंगे, तब आपको सिर्फ 11 बार मन ही मन में इस मंत्र को कहना है, फिर अपनी मनोकामना कहनी है, और बस वहाँ से आ जाना है। इस टोटके को आपको सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। एक बार करने के बाद में आप इसे भूल जाएं, और अपने जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए जो कर्तव्य है, जो कर्म है, वो आपको करना है। टोटका करने से क्या होगा कि आपके जो कर्म आप करेंगे, भगवान उन कर्मों में आपको सफलता देते जाएंगे। आपका ऐसा नहीं होगा कि आप कोई काम करें और वो असफल हो जाए, काम सफल जरूर हो जाएगा। टोटके जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये कोई अलग से जादू चमत्कार नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि जब आप कोई टोटका कर देते हैं तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, ये टोटके उन कर्मों को सफल बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटका कर लिया उसके बाद में आप हाथ बांध कर बैठ जाए तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा तभी इच्छा पूरी होगी। तो ये टोटका आप कीजिए, आपको सिर्फ एक बार करना है, किसी भी वार को कर सकते हैं आप, कोई बंदिश नहीं है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को करें, कोई भी वार को कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप टोटका करें, जब आप उपाय करें, तो कोई भी आपको टोके नहीं, मतलब आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो कोई आपसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ उपाय कर रहे हैं वो आपसे कोई
इस बारे में कोई पूछे ना, और अगर पूछे भी तो आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। कहते हैं कि जब टोटके हम करते हैं, इस बीच में अगर हमें कोई टोक देता है, कोई इसके बारे में पूछ लेता है, तब वो टोटके काम नहीं करते। तो ध्यान रखें कि आप ऐसे टाइम इसे करें जब आपको ना कोई देखे ना कोई आपसे कुछ पूछे, ठीक है। और एक और चीज़ बताना है यहाँ पर, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि लास्ट में आपको कुछ मैं मुख्य बिंदु बताऊंगी, तो वो ये है कि आपको जब टोटका आप करते हैं, ठीक है, अगर हो सके तो सवेरे सवेरे करेंगे, ठीक है, सवेरे का जो समय रहता है सुबह 8 बजे से पहले करें, या फिर शाम को 6 से 7 के बीच में करें, ठीक है। इन इसके दिन का जो बाकी का समय होता है इसमें ना करें, ये जो शुभ मुहूर्त होते हैं इन्हीं में आपको ये टोटके करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब टोटका कर देते हैं, उपाय कर देते हैं, उसके बाद में आपको मन में विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है, तभी जाके आपका काम हो पाता है। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये जो मैंने आपको टोटके बताए, ये आप ज़रूर कीजिए, और फिर आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आई बटन पर भी आपको लिंक शो हो रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कीजिए, वहाँ पर भी कई सारे वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल की जो स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, आपको वीडियो के एंड में स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाए, वहां पर आपको कई सारे घर की जो कई समस्याएं होती हैं उनके निदान मिलेंगे, उनके लिए उपाय और टोटके मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।